हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब राजी खुशी होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं आपके साथ हमेशा स्किन केयर, हेयर केयर की वीडियोस शेयर करती ही रहती हूँ। सो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही हेयर रिपेयर रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपके हेयर रिपेयर होंगे, हेयर रीग्रो होंगे और हेयर फॉल ख़त्म होगा। और अगर आपके हेयर टूटते हैं या दोबारा नहीं बढ़ते तो भी आपके हेयर रीग्रोथ होंगे, मतलब कि आपकी सारी हेयर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो आइए चलिए जानते हैं कि इसे बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए और इसे बनाना कैसे है। जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है मेथी दाना। नेक्स्ट हमें चाहिए पपीता। नेक्स्ट चाहिए नारियल का दूध। और लास्ट जो हमें चाहिए वो है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। तो सबसे पहले आपको कोकोनट ऑयल के साथ हेयर मसाज करनी है 5 या 10 मिनट तक। आप हेयर मसाज करें और करने के बाद आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। अब हम हेयर मास्क बनाएंगे। उसके लिए 1 गिलास पानी पैन में डालें और 1/4 कप मेथी डालकर अच्छे से इसे बॉईल करें। जब ये 1/2 कप रह जाए, मतलब कि इसका असर जब पानी में अच्छे से निकल जाए, तब मेथी को बॉईल किए हुए पानी के साथ ही ठंडा करके ब्लेंडर में डालें और साथ ही 1/4 कप पपीता, 1/4 कप कोकोनट मिल्क डालकर इसे अच्छे से ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद इसे कंटेनर में डालें। अब इसे पूरे हेयर स्कैल्प पर और हेयर लेंथ पर अच्छे से अप्लाई करें। 5 मिनट आप हेयर मसाज करें और फिर 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। इसमें इस्तेमाल की गई मेथी में पोटाशियम होता है जो बालों को गिरने से रोकता है। मेथी के छोटे छोटे दानों में विटामिन ए, के, सी, आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं। मेथी दाने में कई गुण हैं जो बालों के अच्छी ग्रोथ और स्कैल्प रिपेयर के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ किया है यानी कि पपीता। पपीता गंजेपन को रोकने में मदद करता है और बालों के विकास को बढ़ावा देता है। इसमें फॉलिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो बालों के रोम, रक्त और ऑक्सीजन और पौष्टिक तत्वों के संचालन को बढ़ाते हैं और स्वस्थ बालों के विकास को अनुमति देते हैं। इसमें जो नारियल का दूध इस्तेमाल किया है उसमें मौजूद विटामिन और खनिज आपकी स्कैल्प और बालों को गहराई से पोषण देने में मदद करते हैं। नारियल का दूध प्रोटीन से भरा होता है जो बालों के विकास को बढ़ावा देता है और जड़ों को मजबूत बनाता है। इसमें मौजूद मॉइस्चराइजिंग क्षमता और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव के कारण ये स्कैल्प से रूसी निकालने में काफ़ी मदद करता है। 20 मिनट के बाद आप हर्बल शैम्पू के साथ हेयर वॉश करें और फिर कंडीशनर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके हेयर नरिश्ड हो और स्ट्रॉन्ग बने तो आप इसे वीक में एक बार ज़रूर अप्लाई करें। तो यही पर एंड होती है हमारी आज की ये वीडियो। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी हो और इसमें दी गई जानकारी आपके काम आए। तो मैं फिर मिलूंगी आपसे एक न्यू रेमेडी के साथ, PK रेमेडी 56 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।